स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को मेरी शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए अपने महान नेताओं और स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष और उनके निस्वार्थ बलिदान को स्मरण करने तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। हम इस सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर हम अपने देश के उन सैनिकों के अथक परिश्रम को भी नमन करते हैं जो दिन रात कठिन मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीमाओं की रक्षा में तैनात हैं। ये एक उपयुक्त अवसर है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने को पुनः समर्पित करके अपनी प्रतिबद्धता और निष्ठा को अटूट रखें। साथियों, वर्ष 2017 रेलवे में घटनाओं की दृष्टि से उल्लेखनीय है, क्योंकि इस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन क्षेत्र पर दूरगामी असर पड़ेंगे। एक जनसेवी संगठन के रूप में उत्तर रेलवे राष्ट्र निर्माण में सतत अपना योगदान देता रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तर रेलवे ने भारतीय रेलवे में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले जोन का स्थान फिर से हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि को बनाए रखने के साथ साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि रेलवे ने वित्तीय वर्ष 17-18 में जून 2017 तक 4,784 करोड़ रुपए की कुल आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में 4,482 करोड़ रुपए आय अर्जित की गई थी। ये पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 8.1% अधिक है। माल भाड़ा और यात्री क्षेत्र में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.6% और 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बहुत उल्लेखनीय है। उत्तर रेलवे ने चालू वर्ष की पहली तिमाही में 15.8 करोड़ रेल यात्रियों की बुकिंग से कुल 2,431 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। ये भी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। चार धाम तीर्थ को रेल मार्ग से जोड़ने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करते हुए हमने मई 2017 में चारधाम के लिए इकहरी बड़ी लाइन रेल संपर्क हेतु फाइनल लोकेशन सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत की है। इसी प्रकार माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर पूर ने बिलासपुर लेह प्रस्तावित नई रेलवे लाइन परियोजना को आगे बढ़ाते हुए जून 2017 में इसके फाइनल लोकेशन सर्वेक्षण के कार्य की आधारशिला रखी है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि हमने वर्ष 2016-17 के दौरान 75.6 किलोमीटर का डबलिंग का वर्क पूरा किया है। चालू वर्ष 2017-18 के दौरान हमने 69 किलोमीटर का डबलिंग का कार्य पूरा किया है। इसके अंतर्गत लंबुआ कोरीपुर श्री कृष्ण नगर 36 किलोमीटर,
चंद्रौली हैदरगढ़ 16 किलोमीटर और मेरठ दोराला 17 किलोमीटर रेल सेक्शन को दोहरीकृत एवं विद्युतीकृत किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2016-17 के दौरान 274 रूट किलोमीटर और 500 ट्रैक किलोमीटर को विद्युतीकरण किया गया है। हम वर्ष 17-18 के बजटीय लक्ष्य में मिले 1022 रूट किलोमीटर, जो कि उत्तर रेलवे के रूट किलोमीटर का लगभग 75% है, को विद्युतीकरण करने में इसी प्रकार की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। हम स्टेशन विकास कार्यक्रमों और अनेक उपभोक्ता अनुकूल उपायों से टच एंड फील फैक्टरों में उल्लेखनीय सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं। प्रोजेक्ट स्वर्ण के अंतर्गत उत्तर रेलवे की 3 राजधानी और 4 शताब्दी रेलगाड़ियों को स्वर्ण मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा और इसी वर्ष तैयार किया जाएगा। उत्तर रेलवे ने वर्ष 2016-17 में अनेक प्रमुख स्थानों पर नए एस्केलेटर, यात्रिक धुलाई संयंत्र, लॉन्ड्री एवं वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई हैं तथा प्लेटफॉर्म शेल्टर, पैदल पार्क, पुल इत्यादि बनाए हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 27 जुलाई 2017 को अयोध्या फैजाबाद रामेश्वरम श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया है। कश्मीर घाटी क्षेत्र में भी नए हॉल्ट स्टेशन देने की यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु और जम्मू कश्मीर की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती ने बारामूला काजी गुंड रेलवे सेक्शन पर 5 नए हॉल्ट स्टेशनों के निर्माण की आधारशिला रखी है। मॉडिफाइड स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से ट्रांजिट आधारित विकास परियोजना के रूप में उत्तर रेलवे पर फरीदाबाद और जम्मू तवी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दक्ष बिल्डरों और डेवलपरों के अभिरुचियों को आमंत्रित किया गया है। ये कार्य प्रक्रियाधीन है। मुझे बताए हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल इंडिया प्रयासों के मद्देनजर निविजा प्रक्रिया का 100% कार्य ई टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है और क्रय आदेश भी ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। साथ ही ICT मॉड्यूल जैसे ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से लाइन फंक्शन में बेहतर दक्षता हासिल की जा रही है। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के द्वारा कागज रहित अनारक्षित टिकटों सुविधा नई दिल्ली, दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल, गाजियाबाद रेल सेक्शनों पर भी प्रदान की जा रही है। पार्सल प्रबंधन प्रणाली दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर पूरी तरह से कार्य कर रही है। इसे सभी पार्सल लदान केंद्रों पर लदान के लिए कार्य किया जा रहा है। वर्ष 16-17 के दौरान 7 PFT प्राइवेट साइडिंग शुरू की गई हैं और इस वर्ष में 7-6 की और शुरू किया जाने की प्राथमिकता है। ऊर्जा दक्षता और हरित प्रयासों को बढ़ाकर कार्बन प्रभाव को कम किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तर रेलवे के लगभग 2000 डिब्बों में 7800 जैव शौचालय लगे हुए हैं। सोलर पावर होटल लोड सिस्टम वाले 1600 अश्वक्ति के DMU रेकों की शुरुआत कार्बन उत्सर्जन को कम करने में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रीन रेटिंग हासिल करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली और वाराणसी स्टेशनों को चुना गया है। नई दिल्ली में सॉलिड वेस्ट प्लांट भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस प्रकार का एक अन्य प्लांट वाराणसी में भी लगाया जाएगा। संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि वर्ष 16-17 में 229 ROB, RUB, LHS का कार्य पूरा किया गया और चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक 28 ROB, RUB और LHS का कार्य पूरा किया जा चुका है। दिल्ली मंडल में दुर्घटना राहत रेलगाड़ी में पहली बार फोल्डेबल रेस्क्यू प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं। वेल्ड फ्रैक्चर के मामले में कमी लाने के लिए वेल्डिंग की गुणवत्ता को और बेहतर करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। ट्रैकमैन की सुरक्षा के लिए आने वाली रेलगाड़ी की सूचना को चेतावनी ट्रैकमैन को देने वाली रक्षक प्रणाली का परीक्षण दिल्ली मेरठ सेक्शन पर चल रहा है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा हमारी उच्च प्राथमिकता है। दलालों और अनुचित कार्य करने वाले, विशेष कर नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए रेल सुरक्षा बल रेलवे स्टेशनों पर CCTV के माध्यम से निगरानी को बढ़ा रहा है। ये उत्तर रेलवे के लिए गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ियों सुश्री साक्षी मलिक, श्री बजरंग पुनिया, सुश्री विनीत फोगाट, श्री सत्यव्रत कायदान, श्री मनोज कुमार, श्री सचिन सिवाच, सुश्री सुषमा वर्मा तथा अन्य दूसरे खिलाड़ियों ने कुश्ती, मुक्केबाजी, क्रिकेट
तथा अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करके इस वर्ष को गौरवपूर्ण बना दिया है। मैं इनके तथा अन्य सभी खिलाड़ियों को योगदान की सराहना करता हूँ। इस अवसर में मान्यता प्राप्त यूनियन फेडरेशनों एसोसिएशंस और उनके सहयोगियों का रेलवे और रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको आपके सहयोग और निष्ठा के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर रेलवे जनसेवा के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित करेगी और राष्ट्र के निर्माण में पूरा सहयोग देगी। साथियों, आइए इस पावन अवसर पर हम अपने नैतिक मूल्यों को दोहराते हुए एकता, अखंडता और न्याय के सिद्धांतों का फिर से स्मरण करें। रेलवे के बदलाव की इस यात्रा में मुझे आपके सतत सहयोग और साथ की अपेक्षा रहेगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you.